खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आरक्षण पर बयान सामने आया। जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी उन निर्णय पर विचार किया जाएगा। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं और जिन नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन किए हैं वह सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। सभी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का काम किया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। महिला आरक्षण वाला जो विषय आपने उठाया है, महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। देखिए दोनों विषयों पर विचार चल रहा है और क्योंकि विधायी व्यवस्थाएं होती है, विधायी दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ती है और माननीय मुख्यमंत्री उसका जो भी निर्णय है वो सबके सम्मुख।